हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच आज से रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ और ये मेरा रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर होगा ब्लड रिलेशन का, यानी कि रक्त संबंधी। यानी आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो खून का खेत है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड। आपके जैसे आपके मम्मी के भाई आपके कौन होंगे, आपके बहन के पति आपके कौन होंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग जंबल जंबल भी क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि आखिर ये जनरेशन होता क्या है। जैसे जनरेशन होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जनरेशन इक्वल भी होता है, तो ये सब होते हैं क्या। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इक्वल जनरेशन की बात करें तो इक्वल जनरेशन का अर्थ ये हुआ कि जो समान हो, जैसे भाई और बहन, ये दोनों का जो जनरेशन है सो क्या है, इक्वल है। हस्बैंड वाइफ, यानी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ये यहाँ पे क्या है, इक्वल जनरेशन का है ना। जैसे आपके मम्मी और पापा, ये दोनों का दोनों आपस में क्या है, इक्वल जनरेशन है ना। तो और उसके बाद आता है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या है कि एक के जस्ट ऊपर वाला। तो जैसे आपके पापा, तो यानी आपके पापा और आपके बीच में, यानी मेरे पापा और हमारे बीच में जो जनरेशन है सो क्या है, एक जनरेशन का अंतर है। यानी कि पापा जी के बाद कौन आया है, हम आए हैं। या अगर हम बोले कि आपके नाना और आपकी मम्मी, तो आपके नाना जो है उनके जनरेशन के बाद क्या किसका जनरेशन है, मम्मी का जनरेशन है। तो यही सब बेसिक बात है, तो हम इसको लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधी। सबसे पहले हम एक इंडिकेट आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको लगे कि यह व्यक्ति पुरुष है या आपको लगे कि यह व्यक्ति महिला है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम एक सिंबल हमेशा लगाएंगे। तो समझेंगे कि अगर आपको एहसास हो जाए कि ये जो है पुरुष व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो जहां पे लगे कि वो पुरुष व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वहां पर आप जोर का सिंबल लगाएंगे, और जहां पे आपको ये लगे कि ये महिला है ना, यानी वोमेन है, फीमेल है, तो जब फीमेल जाति का बोध हो तो आप वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एहसास हो कि पुरुष है तो जोर, अब महिला हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए नोट नंबर वन आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन वन जेनरेशन। नोट नंबर वन आपका ये होगा कि डिफरेंस बिटवीन वन जेनरेशन, यानी हम हिंदी में इसको बोलेंगे एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का अंतर। देखिए जो फर्स्ट आपका नोट है वो है डिफरेंस बिटवीन वन जेनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी का अंतर। तो एक बात हमेशा आप याद रखेंगे कि जो व्यक्ति, यानी जो आपसे रिलेशन में लगे कि ये बड़ा है तो आप उस व्यक्ति को ऊपर की ओर लिखेंगे, और जो लगे कि छोटा है उसे हम नीचे की ओर लिखेंगे। जैसे मान लो हम एक अलग एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे पापा और एक बेटा है, चाहे बेटी कोई भी हो सकता है, एक है पापा और एक है बेटा या बेटी, चाहे यहाँ पर पापा या मम्मी भी हो सकते हैं। तो बड़ा रिलेशन वाला इसमें कौन है, पापा है कि बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े रिलेशन वाले इसमें कौन है, पापा है। तो पापा जो होंगे सो ऊपर होंगे और इनके नीचे जो होगा सो ये होगा, कौन होगा, बेटा होगा, ऐसे लिखेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर रिलेशन में कोई आपसे बड़ा है तो बड़ा है तो उसे ऊपर रखेंगे, और रिलेशन में कोई आपसे यदि छोटा है तो उसे हमेशा रखेंगे कहाँ, नीचे रखेंगे। तो मैंने आपसे हेडिंग ये बनवाया कि नोट नंबर वन है एक पीढ़ी का अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन वन जेनरेशन, डिफरेंस बिटवीन वन जेनरेशन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ए बी का पिता है, मैंने यहां पर यह लिखा कि ए जो है बी का
पिता है तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ए जो है बी का पापा है, तो अगर हमें इसको दर्शाना होगा तो हम इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन कीजिए कि पापा इसमें है कौन, तो ए बी का पापा है मतलब ए जो है इसमें क्या है, पापा है, और वो है किसका जी, तो बी का, तो बी यहाँ पर इसका कौन हो सकता है, बी का तो यहाँ पर लिंग फिक्स नहीं है कि यह है क्या महिला है कि पुरुष है, तो जब बी का ये मुझे नहीं मालूम है कि ये महिला है कि पुरुष है, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि बी जो होगा ए का या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी, यानी बेटा या बेटी में से कोई एक होगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि ए जो है सो क्या है, ए बी का पप्पा है, तो ए पप्पा है इसका भाई बी का, तो जो पप्पा है उसको ऊपर रखेंगे और ये जो है इसको नीचा रखेंगे। देखिए ए एक पप्पा है, तो जब ए पप्पा है मतलब ये क्या है, पुरुष है, और पुरुष जाति के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे। अब बी के बारे में हमें नहीं मालूम है कि बी जो है ए का है कौन, बेटा है कि बेटी है, दोनों में से कोई एक तो है, लेकिन बेटा है कि बेटी है हम ये बात नहीं जानते हैं, तो हम हमेशा इसे ऐसे ही सजाएंगे। अब अगला जो नोट होगा वो लिखेंगे, नोट नंबर दूसरा होगा डिफरेंस बिटवीन टू जेनरेशन। डिफरेंस बिटवीन टू जेनरेशन यानी हम हिंदी में इसे बोलेंगे दो पीढ़ी का अंतर, दो पीढ़ी का अंतर, ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन टू जेनरेशन यानी दो पीढ़ी का अंतर। तो दो पीढ़ी में आएगा कौन कौन, तो दो दो पीढ़ी का मतलब कि मैं और मेरे दादाजी, इनके बीच में इतने का अंतर है, दो का अंतर है, जैसे दादाजी आए उसके बाद मेरे पापा जी आए होंगे उसके बाद ना हम आए हैं, तो हमारे और उनके बीच में क्या है, दो जेनरेशन का अंतर है, या हम बोले मैं और मेरे नाना जी, तो हमारे बीच और नाना के बीच में भी इतना का अंतर है, दो जेनरेशन का अंतर है, क्योंकि नाना जी के बाद मेरी माँ आई होगी और माँ के बाद मैं आया हूँगा, तो हमेशा याद रखेंगे कि दो पीढ़ी के अंतर में वही आएगा, कौन कौन आएगा, या तो दादी पोता आ चाहे पोती आ दादी आ चाहे दादा। देखिए दो पीढ़ी में यही आएंगे, दूसरे पीढ़ी में आएंगे दादा दादी आ चाहे पोता पोती, या नाना या नाना नानी, या हो जाएगा नाती या नातिन, नाती या नातिन। देखिए दो पीढ़ी में यही दो लोग आएंगे, या तो दादा दादी और पोता पोती, या फिर नाना नानी और नाती नातिन, दो जेनरेशन जब भी होगा तो यही रिलेशन आएगा, या तो दादा दादी का रिलेशन होगा या फिर इनका रिलेशन होगा, या तो नाना नानी का रिलेशन होगा नहीं तो नाती और नातिन का रिलेशन होगा, यही होगा दो जेनरेशन में। जैसे हम लिखते हैं इसको सजाना होगा, जैसे मैंने लिखा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है और बी सी की माँ है, और बी सी की माँ है, देखिए सजाना है, तो सबसे पहले सजाने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक एक लाइन को बढ़िया से पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो है आपका ये सेंटेंस बोल रहा है कि ए जो है बी का कौन है, पिता है, मतलब कि पापा है, यानी ए पापा है किसका जी, बी का, तो ए जब पापा है तो ऊपर लिखेंगे पापा है मतलब है पुरुष, और वह है इसका बी का, तो बी हम लिखेंगे नीचे, लेकिन हमें अभी इस लाइन में बी के बारे में नहीं मालूम है कि बी आखिर है कौन, ए का बेटा है कि बेटी है, मुझे नहीं मालूम है, आगे दिया है और बी, अब देखिए दूसरे लाइन में आएंगे तो
तो दिया है बी जो है सी की माँ है, यानी बी जो है सी की माँ है। तो देखिए बी सी की माँ है, तो अगर बी सी की मम्मी है तो मम्मी है मतलब क्या है, महिला है, यानी बी यहाँ जो है वो महिला है, तो महिला का मतलब क्या हुआ माइनस, लेकिन बी माँ है इसकी जिस सी की, यानी कि बी क्या बेटा या बेटी जो है सो कौन है सी है, तो बेटा या बेटी जो होगा मम्मी से क्या होगा छोटा होगा, तो उसे लिखेंगे कहाँ नीचे लिखेंगे, तो बी का बेटा या बेटी कौन है सी है, मतलब ये या तो जोर हो सकता है या फिर क्या होगा माइनस होगा, यानी या तो बेटा होगा या फिर क्या होगा बेटी होगी। तो मान लीजिए जैसे ये सी मान लो हम है, ये सी मान लो हम है, तो सी की माँ बी है, मतलब कि हमारी माँ कौन है बी है, और बी के जो पापा हैं वो ए हैं, तो जो बी के पापा ए हैं मतलब कि हमारी माँ बी है, और हमारी मम्मी के जो पापा हैं सो कौन है ए हैं, तो अच्छा बताना जरा सा कि तुम्हारे मम्मी के जो पापा होंगे वो तुम्हारे होंगे कौन, तुम्हारे मम्मी के पापा तुम्हारे होंगे कौन, तो जवाब आएगा कि हमारे मम्मी के पापा हमारे कौन होंगे नाना, ये कौन होंगे नाना, हम उनके लिए कौन होंगे, यदि हम लड़का हैं तो हम होंगे नाती, अगर हम लड़की हैं तो हम होंगे कौन नतनी होंगे, क्या होंगे नतनी होंगे, तो हमेशा हम इसे ऐसे सजाएंगे। अगला देखेंगे हम लोग नोट नंबर तीसरा होगा कि डिफरेंस बिटवीन इक्वल जेनरेशन, इक्वल मतलब होता क्या है भाई साहब बराबर होता है, तो आप लोग नोट लिख लेंगे कि समान पीढ़ी का अंतर, समान पीढ़ी का अंतर, समान पीढ़ी का अंतर। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन इक्वल जनरेशन यानी कि समान पीढ़ी का अंतर हमें लिखना होगा, तो इक्वल में आएगा कौन कौन, तो जैसे भाई भाई, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ये सबके सब क्या हैं इक्वल हैं, दादा दादी वो अपने लिए भाई साहब क्या हैं इक्वल हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक लिख दिया, एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि एफ ई की माँ है, एफ ई की, एफ जो है ई की माँ है, जी का विवाह एफ के साथ हुआ है, जी का विवाह एफ के साथ हुआ, उधर देखो जी का विवाह एफ के साथ हुआ है, जी का विवाह एफ के साथ हुआ है, और एम ई का भाई है, और एम ई का भाई है। तो मान लीजिए संयोग से हमें इसे अगर सजाना होगा तो कैसे लिखेंगे, दिया है कि एफ जो है ई की माँ है, तो एफ मम्मी है इसकी भाई साहब, ई की मम्मी है एफ, तो जो मम्मी होगी उसे हमेशा कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, यानी एफ माँ है तो माँ है यानी महिला है यानी माइनस, और माँ है किसकी ई की माँ है, तो ई इसके क्या हो जाएगा जस्ट नीचे हो जाएगा। अब दिया है कि जी का विवाह एफ के साथ हुआ है, यानी जी एक आदमी है ना, जी एक व्यक्ति है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है, तो विवाह जो होगा सो क्या होगा समान जनरेशन में होगा बराबर वाले में होगा, तो यानी जी का विवाह एफ के साथ हुआ है तो एफ यहाँ है यानी एफ के बराबर में जी होगा। और आगे दिया है एम जो है ई का भाई है, यानी ई का भाई है उसका नाम एम दिया है, तो ई यहाँ पर है तो भाई जो होंगे सो क्या होंगे इक्वल होंगे, तो अगर ई यहाँ पर है तो इसके इक्वल में कौन होगा एम होगा। अब देखिए लेकिन एम जो है सो कौन है ई का भाई है, मतलब ई का भाई है उसका नाम एम है, तो भाई है तो मतलब क्या है ये मेल की फीमेल, तो ये मेल है और मेल है मतलब यहाँ पर क्या लगेगा जोर लगेगा। अब देखिए एफ का सॉरी जी का जो विवाह हुआ है वो एफ के साथ हुआ है, समझिएगा जरा सा, जी का विवाह यहाँ पर एफ के साथ हुआ है
और एफ यहाँ पे दिया हुआ है कि महिला है, तो अगर एफ महिला है तो बिया होगा किसमें, एगो मेल हो गया, एगो का होगा फीमेल होगा। तो जब एफ यहाँ पर फीमेल यानी कि महिला है तो जी यहाँ पर क्या होगा, मेल होगा, मतलब क्या होगा, जोर होगा। अब देखिए एफ जो है ई की मम्मी है आ ई का भाई एम है, तो जो ई की मम्मी है वो एम का भी क्या होगा, माँ ही होगा, क्योंकि ई और एम के बीच में क्या है, भाई भाई का रिलेशन होगा या फिर भाई बहन का रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि ई का मुझे लिंग नहीं मालूम है कि ई व्यक्ति है कैसा, मेल है कि फीमेल है, तो लेकिन एम इसका भाई है, तो अगर ये मेल होगा यानी जोर होगा तो ई और एम दोनों के दोनों भाई भाई हैं, और यदि ये महिला होगा तो ई जो होगी एम की कौन होगी, बहन होगी। तो देखिए अगर ई का मम्मी एफ है और ई का भाई एम है तो जो ई की मम्मी होगी वो भी एम का क्या होगा, मम्मी ना होगा जी। अब देखिए एफ का ब्याह हुआ है जी के साथ, तो एफ का ब्याह अगर जी के साथ हुआ है और एफ का बेटा ई है, तो अगर आपके मम्मी का विवाह जी के साथ हुआ है तो जी आपका कौन होगा जी, पापा होगा, तो जो आपका पापा होगा वही आपके भाइयों का भाई साहब क्या होगा, पापा ही ना होगा जी। तो आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सब एग्जाम्पल बनाएंगे, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से हल हो जाएंगे। तो अभी तक जितना कंसेप्ट था मैंने वो सब आपको बता दिया, अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर एक है कि ए व बी बहने हैं, ए व बी बहने हैं, आगे है आर व एस भाई है, भाई है, ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री आर की बहन है, तो बी का एस से क्या रिलेशन है, संबंध है। देखिए ये जो क्वेश्चन है SSCMTS 2014 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा और इसके एक एक लाइन को लिखिएगा, है ना, अभी नहीं कि कंप्लीट एक ही बार पढ़ लिया और लिखना शुरू कर, एक एक लाइन को समझिए और लिखिएगा, सजाइएगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि ए व बी बहने हैं, मतलब कि बहन रहता तो एक आदमी का, लेकिन यहाँ पर बहने हैं मतलब क्या है, दोनों के दोनों बहने हैं, तो ए व बी दोनों के दोनों आपस में बहने हैं, तो बहने हैं मतलब महिला है, और बहने हैं मतलब जनरेशन इनका क्या हुआ होगा, इक्वल होगा, मतलब कि ए और बी बहने हैं मतलब कि ए एवं बी जो हैं सो एक ही लाइन के हैं, एक ही जनरेशन के हैं, तो यदि ये महिला है तो इनके ऊपर क्या लगा दिया, माइनस। आगे दिया है आर व एस भाई है, तो R व S यानी R और S जो है आपस में भाई भाई हैं यानी भाई है, तो अगर ये दोनों के दोनों भाई है मतलब ये मेल है मतलब क्या होगा, जोर होगा, लेकिन भाई है तो भाई का मतलब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि भाई बहन जो भी होंगे समान जनरेशन के होंगे, या जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, समान जनरेशन के होंगे, तो आर व एस भाई है मतलब कि समान जनरेशन के हैं, तो इसलिए हम अभी कहीं अलग लिखते हैं, तो R और S जो है सो भाई है, मतलब ये भी जोर है ये भी जोर है। अभी देखिए अभी तक हमको ये नहीं मालूम है कि AB का RS से कोई रिलेशन है कि नहीं है, अभी हम ये नहीं जानते हैं। आगे दिया है कि A की पुत्री यानी A की बेटी, तो A की बेटी जो है R की बहन है,
तो एक बात देखिए, ए की पुत्री आर की बहन है, तो क्या आपको इसमें दिया है कि ए की बेटी कोई है? तो नहीं जानते हैं, तो मान लिए कि ए की जो बेटी है सो एक्स है। तो अगर ए की बेटी एक्स है, बेटी यानी महिला है, तो महिला यदि एक्स है और वो ए की बेटी है, तो अगर ए यहाँ है तो ए की जो बेटी होगी इससे रिलेशन में क्या, बड़ी की छोटी, तो बेटी जो होगी रिलेशन में छोटी होगी, मतलब कि नीचे की ओर आएंगे तो ए की जो बेटी है उसका नाम एक्स है यानी बेटी है, मतलब कि ये माइनस है। तो दिया है ए की पुत्री यानी एक्स जो है आर की बहन है, तो आर की बहन है यानी एक्स जो है आर की बहन है, तो आर की बहन एक्स है, तो यानी अगर बहन है तो रिलेशन इक्वल होगा, मतलब कि एक्स की बहन जो है सो क्या है आर है, मतलब कि सॉरी ए की पुत्री यानी एक्स जो है आर की बहन है, यानी एक्स जो है आर की बहन है। तो अभी यहाँ पर आर के बारे में कुछ नहीं दिया है, आर लड़का है कि लड़की है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि आर जहां भी आएगा वहां पर एस आएगा उसके ठीक सामने, और आर के ऊपर जोर है, मतलब कि ये एक लड़का है या एक पुरुष है, तो आर के ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, और आर के ठीक सामने एस आएगा, मतलब कि आर के समान जनरेशन का एस है, और इसके ऊपर भी जोर है, मतलब कि ये भी क्या है पुरुष है। अब देखिए, अगर ए और बी आपस में बहने हैं और ए की बेटी एक्स है और ये जोर है, तो एक्स का भाई आर है और आर का भाई एस है, यानी एक्स आर एस के बीच में जो रिलेशन है सो क्या है, भाई बहन का है, यानी आर एक्स का भाई होगा, एस एक्स का भाई होगा, लेकिन एक्स जो है आर की कौन है बहन, एक्स जो है एस की कौन है बहन है। तो अगर एक्स की मम्मी ए है तो जो एक्स की मम्मी ए है वो इसके भाई आर की भी मम्मी कौन होगी, ए होगी, और एस जो है आर का भाई है तो इसकी भी मम्मी कौन होगी, ए होगी। और देखिए ए की बहन बी है, तो एक्स की मम्मी अगर ए है और मम्मी की बहन यदि बी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मम्मी है उसकी जो बहन होगी वो आपकी कौन होगी, वो आपकी कौन होगी, मौसी होगी, मतलब कि एक्स की मौसी कौन है, तो एक्स की मौसी वही होगी जो इसके मम्मी की बहन होगी। तो एक्स की मौसी कौन है, बी है, तो एक्स की मौसी यदि बी है तो आर की भी मौसी कौन होगी, बी होगी, एस की भी मौसी कौन होगी, बी होगी। तो हमें निकालना है कि बी का एस से क्या संबंध है, देखिए बी का एस से क्या संबंध है। तो देखिए बी जो है ए की बहन है और ए जो है एस की माता है, तो आपकी माता की बहन आपकी कौन, यानी आपकी मम्मी की बहन आपकी कौन, तो मौसी, और आप उसके होंगे कौन, तो आप यदि लड़का हैं यानी मेल हैं तो आप उसके लिए भगिना होंगे, और यदि आप फीमेल हैं यानी कि महिला हैं तो आप उसके लिए भगनी होंगे। तो हमें निकालना है बी का एस से क्या संबंध है, यानी ये जो महिला बी है वो एस का कौन होगी, तो महिला जो होगी एस की कौन होगी, आंसर इसका भाई साहब क्या होगा, मौसी, आंसर क्या होगा, यानी बी जो होगी एस की कौन होगी, मौसी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो होगा कि क्वेश्चन नंबर टू, ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जी है, जी का पिता ए है। तो आपसे ये पूछा कि जी का चाचा कौन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि जी का चाचा कौन है, तो समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, दिया है कि ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जी है,
जी का पिता ए है तो जी का चाचा कौन है, हमें ये निकालना है। तो देखिए निकालते हैं, एक एक लाइन को पढ़कर हम लोग हल करेंगे। दिया है जैसे कि ए का भाई जो है एफ है, यानी ए जो है उसका एक भाई है जिसका नाम एफ है। तो ए का एक भाई है, तो भाई है मतलब इक्वल जनरेशन का है और उसका नाम एफ है। तो अगर ए का भाई एफ है तो भाई है मतलब मेल है, मेल यानी पुरुष, यानी ये जोर हो गया। अब दिया है ए की पुत्री सी है, यानी ए को एक बेटी है जिसका नाम सी है। तो यहाँ पर हमें ए के बारे में नहीं मालूम है कि ए आखिर है क्या, महिला है कि पुरुष है, हम अभी ये नहीं जानते हैं। लेकिन इतना बात तो अब हम जान गए कि ए की एक बेटी है जिसका नाम सी है। तो जो ए की बेटी होगी ये इससे यानी कि निचले जनरेशन की होगी। तो ए की बेटी सी है, तो सी एक बेटी है मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। आगे दिया है कि एफ की बहन के है, यानी एफ को एक बहन भी है जिसका नाम दिया हुआ है के है। तो अगर एफ यहाँ पर है तो इसकी बहन इसके सामने होगी, यानी बराबर जनरेशन की होगी, और उस बहन का नाम के है, तो बहन है मतलब यहाँ पर क्या हो गई है, माइनस हो गई। आगे दिया है कि सी का भाई जी है, यानी सी को एक भाई भी है जिसका नाम जी है। तो यानी भाई अगर है तो जनरेशन बराबर है, अर्थात सी का जो भाई है यानी बराबर जनरेशन का है, उसका नाम जी है और भाई है। तो हम यहाँ पर क्या किए, जोड़ दिए। आगे दिया है जी का पिता ए है, यानी जी का एक पापा है, जी को एक पापा है जिसका नाम ए है। तो अगर हम ए यहाँ है तो जो भी, यानी अगर जी का पापा अगर ए है, इसका मतलब है कि ए के बेटा या बेटी कौन है, जी है। ए का बेटा या बेटी कौन है, जी है। तो यहाँ पर तो दे ही रहा है कि ये जी के पापा है, ए मतलब ये पापा है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जोर हो गए। तो आपका आपको निकालना है कि जी का चाचा कौन है। अब देखिए यहाँ पर ए एक पुरुष है और ए की बेटी सी है और सी का भाई जी है। तो जो ए की बेटी सी है और उसका भाई जी है, तो जो सी के पापा ए होंगे वो जी के भी पापा होंगे, जिसका नाम क्या होगा, ए होगा। अब देखिए ए का एक भाई है जिसका नाम एफ है। तो ए का भाई यदि एफ है, तो अगर सी एक लड़की है और सी के पापा ए हैं, तो उसके पापा के भाई कौन होंगे, ये चाचा होंगे। तो अगर सी के चाचा ए हो गए तो जी के भी चाचा कौन होंगे, ए ही होंगे। अब दिया है एफ की बहन की है। देखिए सबसे पहले आप रिलेशन से यहाँ पर सेटिस्फाइड होइए कि सबके बीच का रिलेशन क्या है, पहले समझिए बढ़िया से। तो दिया है कि एफ की बहन के है, तो एफ की बहन यदि के है, तो जो एफ की बहन होगी वो इसके भाई ए की भी बहन होगी। तो अगर एफ की बहन के है तो ए की भी बहन कौन होगी, के होगी। और ए की बेटी सी है, तो आपके पापा की बहन आपकी कौन होगी, बुआ होगी, और आप उसके कौन होंगे, भतीजा होंगे। तो अगर सी की बहन की बात की जाए तो सी की बहन कौन होगी, के होगी। और जो सी की बहन होगी वही उसके भाई जी की भी क्या होगी, यानी सॉरी जो सी की फुआ होगी वही उसके भाई जी की भी कौन होगी, फुआ होगी। तो अगर हम ये पूछे कि जी की फुआ कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, के होगा। लेकिन हमें निकालना है जी का चाचा कौन है, यानी जी के अंकल जी का नाम निकालना है। तो जी का अंकल वही होगा जो उसके पापा का भाई होगा। तो जी के पापा ए हैं और ए के भाई कौन है, एफ है। यानी कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, एफ हो गया। जी के चाचा कौन है भाई साहब, तो एफ है। अगला क्वेश्चन है कि पी पी क्यू का पी जो है क्यू का पति है। फिर आगे दिया है आर आर जो है ए स्व क्यू की
माता है तो हमें निकालना है तो पी का आर से क्या संबंध है। तो पी का आर से क्या संबंध है हमें ये निकालना है तो समझेंगे। सबसे पहले एक एक टॉपिक को एक एक लाइन को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि पी जो है क्यू का कौन है, पति है, मतलब पी जो है हस्बैंड है किसका, क्यू का। तो हस्बैंड और वाइफ का जो जनरेशन होता है वो इक्वल जनरेशन का होता है। तो यहाँ पर दिया है पी क्यू का पति है, अर्थात पी जो है पति है यानी कि पुरुष है, यानी जो इसका है जी क्यू का है। तो अगर ये पुरुष हो गया तो ये होगा कौन, महिला यानी कि माइनस। अगला दिया है आर जो है एस व क्यू की माता है, यानी आर जो है मम्मी है और ये मम्मी है, आर जो है एस व क्यू की माता है यानी आर मम्मी है यानी महिला यानी कि माइनस, लेकिन मम्मी है किसकी, तो एस व क्यू की मतलब एस और क्यू दोनों की माता जो है आर है। तो अगर माता आर है तो माता बड़ी होगी और इसके जो बेटे या बेटी हैं वो एस क्यू हैं, तो एस और क्यू जो होंगे सो एक साथ होंगे, यानी इनका जो जनरेशन होगा सो क्या होगा, इक्वल का होगा। अब हमें अभी यहाँ पे ये नहीं मालूम है कि एस क्या है और क्यू क्या है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि पी का पी जो है क्यू का पति है, यानी क्यू एक महिला है तो क्यू महिला है तो माइनस, और इसका हस्बैंड है जिसका नाम क्या है पी है, तो इसका हस्बैंड पी है, तो ये क्यू अगर यहाँ पर है तो इसके जो हस्बैंड पी है यहाँ पे होंगे यानी कि जोड़ होंगे। अब देखिए यानी जो क्यू महिला है इसका विवाह हुआ है पी के साथ। अगर हम एस को महिला मान लिए, हमें ये नहीं मालूम है कि एस है क्या, लेकिन यदि हम एस को महिला मान लिए तो एस की बहन क्यू है और क्यू का जो विवाह हुआ है वो पी के साथ हुआ है, मतलब पी जो है इसका हस्बैंड है। तो आपके बहन का जो हस्बैंड होगा आपका कौन होगा, तो वो आपके होंगे जीजा जी, और आप यदि महिला हैं तो जीजा जी, और तो यदि आप महिला हैं तो जीजा जी की आप होंगे कौन, तो साली होंगे। लेकिन यदि महिला ना होकर कि यदि आप पुरुष हैं तो आपके बहन का हस्बैंड तो आपका जीजा ही होगा, लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो आप उनके लिए होंगे कौन, तो आप उनके लिए होंगे साला। अगर महिला हैं तो साली होंगी और यदि पुरुष हैं तो आप साला होंगे। अब देखिए आपके मम्मी जो हैं आर हैं, तो जो आपकी मम्मी होंगी वही आपकी बहन की भी माँ होंगी, मतलब एस की माँ यदि आर है तो क्यू की भी माँ होंगी कौन, आर होंगी। और देखिए क्यू का विवाह हुआ है पी के साथ, तो यदि आप महिला हैं और आपकी मम्मी आर है तो जो आपके हस्बैंड पी हैं वो जो होंगे आपके मम्मी के होंगे कौन, तो आपके अगर आपको हम महिला मान लिए तो ये महिला है और इस महिला का जो हस्बैंड होगा इसकी मम्मी का कौन होगा, तो पी जो होगा आर का कौन होगा, दामाद होगा, सॉरी दामाद जी होगा। और यदि हम ये पूछे कि आपकी मम्मी जो है आपकी हस्बैंड की कौन होंगी, तो मम्मी जो है इस आपकी हस्बैंड के लिए सासू माँ होंगी यानी कि सास होगी। तो हमको इसमें निकालना है तो पी का आर से क्या संबंध है, यानी पी जो है आर का कौन होगा, तो पी आर का यहाँ पर क्या होगा, पी पुरुष है और इसकी बीबी की माँ आर है, मतलब पी जो होगा आर का कौन होगा, दामाद होगा। लेकिन हम पूछते आर पी का कौन होगा तो आंसर क्या होता, सास होता। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे।